के जेसीबी भंडारे वाले प्रांगण का नजारा। जी हाँ, जहाँ जेसीबी से सब्जी बन रही थी, जो आरसीसी के लेंटर डालने के काम आती थी, उस मशीन में स्पेशली स्टील का एक ड्रम बनवाया गया। सीसी के लिए, लेंटर के लिए तैयारियां लगाई जाती हैं, वैसे इसमें सब सामग्री डाल दी जाती है और उस सामग्री को घुमाने के बाद वहां पर भिखारी है भंडारे के लिए इसमें हरी मिर्च डाल के इस तरह चला के हरी मिर्च को काटा गया। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी देख रहे हैं ददरुआ धाम के जेसीबी भंडारे वाले प्रांगण का नजारा। जी हाँ, जहाँ जेसीबी से सब्जी बन रही थी, यह वही कढ़ाई है जिस कढ़ाई में जेसीबी से सब्जी भर के ट्रॉलियों में डाली जा रही थी। अद्भुत है चंबल संभाग और चंबल संभाग की चर्चाएं, चंबल संभाग के कार्य। ये देखिए पूरा जो नज़ारा आपको प्रांगण का नज़र आ रहा होगा, ये ददरुआ धाम डॉक्टर हनुमान जी महाराज के मंदिर की नव निर्मित गौशाला है, बड़ी गौशाला के नाम से परिचायक, जहाँ पर लाखों भक्त श्रद्धालु जनों ने अपनी आस्था के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ददरुआ डॉक्टर हनुमान जी महाराज की प्रसादी पाई। ऐसा पावन प्रांगण जहाँ ये प्रसादी तैयार की गई, उसका पूरा नज़ारा आपको हम नज़दीक से दिखाने जा रहे हैं और लगभग रात्रि 1 बजने वाले हैं तब ये वीडियो बनाई जा रही है। ये पूरा नज़ारा देखेंगे, ये पूरे नज़ारे में जहाँ जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ और बड़े बड़े जो है भट्टी खोदी गई, उन भट्टियों के माध्यम से ये पूरी प्रसादी तैयार की गई। एक जगह देखा जाए तो शुरू से लास्ट तक पूरे में मालपुआ बन रहा है, वहाँ से वहाँ तक देखा जाए खीर प्रसादी तैयार हो रही है, और इस साइड नज़र जाए तो यहाँ भी मालपुआ प्रसादी तैयार की जा रही है, कहीं सब्जी तैयार हो रही है, कहीं पूड़ियाँ। और एक और आपको अद्भुत चीज़ बताएं जो ददरुआ धाम के अलावा शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, ये पहली बार ददरुआ धाम में ऐसा हुआ है। नज़दीक ये आप देख पा रहे होंगे, आपको सामने ये मशीन दिख रही होगी, आपने इस मशीन को देखा होगा, आप इस मशीन को अच्छे से जानते होंगे। नज़दीक से इस मशीन को बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, ये मशीन जो आरसीसी के लेंटर डालने के काम आती थी, उस मशीन में स्पेशली स्टील का एक ड्रम बनवाया गया और उस स्टील के ड्रम में सारी सामग्री मालपुआ की पेस्ट वाली डाली गई और मशीन के माध्यम से पूरा पेस्ट तैयार करके, मतलब समय की बचत हो और ज़्यादा मेहनत ना पड़े, उस हिसाब से पूरा पेस्ट तैयार करके जल्दी जल्दी मालपुआ भक्तों को गरम गरम मिल पाए, इसका प्रबंध पहली बार ऐसा ददरुआ धाम में देखने को मिला। आइए नज़दीक से आपको दिखाते हैं, पूरी बिल्कुल नज़दीक से तस्वीरें। आप इस तरह से एक कंटेनर बना था और इसमें पूरी जैसे आरसीसी गिट्टी विट्टी सब डाल के आरसीसी के लिए लेंटर के लिए तैयारियां लगाई जाती हैं, वैसे इसमें सब सामग्री डाल दी जाती है और उस सामग्री को घुमाने के बाद वहाँ पर निकाल के और तैयार ये पूरा पेस्ट वितरित किया जाता था और जिससे मालपुआ तैयार होते थे। और भी दो चीज़ें तो आपने विचित्र देख ही ली, जेसीबी वाला सीन मैं डाल दूंगा अगर मुझे कहीं से मिल जाएगा तो, और जेसीबी का सीन बताया मैंने और इस कंटेनर का, और तीसरी चीज़ है जिससे गाय की कुटी कतरी जाती है, जिससे गायों के लिए चारा कतरा जाता है थोड़ा फास्ट फसा, तो उससे तो हरी मिर्च काटी जा रही है। यहाँ पर इतनी भक्तों का अपार सैलाब, इतनी बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु जन आए कि ये नई मशीन मंगा के लोहे की, और ये देखिए पूरी हरी मिर्च पड़ी है भंडारे के लिए, इसमें हरी मिर्च डाल के इस तरह चला के हरी मिर्च को काटा गया। इस तरह बड़ी व्यवस्थाएं ददरुआ धाम डॉक्टर हनुमान जी महाराज के मंदिर में रहीं। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में भक्त श्रद्धालु जन अभी ददरुआ सरकार 1008 चैनल और पूरे सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए धर्म योद्धा इन जैसे लगभग 2000 प्राइवेट भक्त कहेंगे जो मतलब मंदिर में सेवा देने आए थे और राजकीय शासकीय इस तमाम भक्त श्रद्धालु जन आए, जिन्होंने तन मन धन से अपना पूरा सहयोग कर इस कार्यक्रम को दिव्यता और भव्यता प्रदान की है। आप एक नज़र पीछे डालें, जहां तक आपकी नज़र आएगी लगभग 40 से 50 बीघा का ये एरिया, उस पूरे एरिया में भक्तों का सैलाब था। जहाँ आपकी नज़र जाएगी, हो सका तो ड्रोन के भी सूट इसमें आएंगे भोजन प्रसादी वाले, तो ये जो सूट आपके भी चाहेंगे वो 3 दिन पहले के, आज की तस्वीर तो कैप्चर करने की स्थिति ही नहीं थी,
जीपीआरएस जो होता है उसका लोकेशन, वो ही बंद था पूरा नेटवर्क। और यहाँ इतना अपार भक्तों का सैलाब रहा, और भक्तों की माने, क्योंकि मैं तो यहाँ आ नहीं पाया, भक्त लोग जो बता रहे हैं कि 18 से 20 लाख श्रद्धालुओं ने इस पूरे आयोजन में प्रसादी को पाया और इस दिव्य भंडारे से लाभान्वित हुए। सभी भक्त इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय दंदरुआ डॉक्टर हनुमान की जरूर लिखें। सभी को सीताराम। मैं राघवेंद्र मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। ये और तैयार ये पूरा पेश